टेलीनॉर प्रेजेंट्स मोर से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट का फायदा फॉलोड बाय एंटरटेनमेंट एंड मस्ती का धमाका. सो लेट्स वॉच अ शो जिसका नाम है आई डोंट नो. देखती आंखों सुनते कानों आपको शफाअत अली का सलाम पहुंचे. साहब किस्सा यूं है कि आज हम आपके सामने एक शो लेके आए हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो बनने जा रहा है. ख्वातीन हजरात लेके आए हैं इसको नाशपाती प्राइम शो का नाम है आई डोंट नो. मोर से भी ज्यादा फन मोर से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट मोर से भी ज्यादा मजा मोर से भी ज्यादा मस्ती और ख्वातीन हजरात ये सारे के सारे से होगा इस शो के अंदर अंदर ही. लेकिन ख्वातीन हजरात हमारे साथ वही लोग बैठे हुए जिनको आप पिछले कितने हफ्तों से देख रहे हैं. एक दफा ढेर सारी तारीफ इनके लिए और चलते हैं आज के शो की तरफ. जी तो कहां से सवाल करें आपसे? वहां से यहां से एचआर हैं. ये मेरा मतलब है किस कैटेगरी से सवाल करें? इमोशन से कर लें. इमोशन के लिए इमोशन बनाना है मतलब. इन्हीं में से सवाल होगा. हाँ. देखो मैं एंटरटेनमेंट क्योंकि इसका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से ही है. ओके बढ़िया जी बात है जनाब. आज शो के आगाज में ही हम एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं तो जनाब एंटरटेनमेंट में आपको दिखाते हैं ये तस्वीर. कौन है ये? ये तो आपको पता ही है कौन है. जूही चावला. लेकिन ये शाहरुख खान और जूही चावला का एक गाना है जो कि यहाँ पे चिराइज हुआ है. उस गाने के अंदर शाहरुख खान का ये ओवरकोट और उसके अंदर लोशन था ये नहीं था ये भी एक सवाल है. शाहरुख भाई को जरूरत नहीं पड़ी आज तक. आपने चेक किया? शाहरुख खान को नहीं पड़ी लेकिन करण जौहर को बहुत पड़ी है. इसमें जूही चावला की एक्सप्रेशन देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो कह रही तुम्हें पता है ना कि लोशन क्या है. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के लोशन लगाऊं. शिवाजी अगर यही गाना अगर कोई मतलब हमारा कोई सिंगर गाता इब्रारुल हसन गाते तो कैसा होता? इब्रारुल हसन इब्रारुल हसन अभी आपको लोशन पे छापा मारेंगे आप रुके दो. अभी जो सरे आम लोशन आएगा ना हर जगह चिप चिप होगी. अच्छा आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा कि लोशन मुंह पे भी लगाते हैं? ध्यान क्यों नहीं जा रहा इस बार? हम भी मुंह की बात ही कर रहे हैं. मुंह पे जा रहे हैं कब छापा पड़ता है? कब आपने मुंह पे लगाया और छापा पड़ा? कब हुआ? आपको पता है मुजरे सेहत केमिकल मिला रहे हैं आजकल वो स्किन ऑइंटमेंट्स के अंदर दवाइयों के अंदर तो ये जो भी चीजें लोशन में आ रही है वो उनके अंदर ये आया वाटर मार रहा है छापे. ये लोशन वाटर बेस्ड से आ रहा है. अगर अबरार गएगा तो कैसे गएगा? अबरार गए. हां अबरार भी गए और बाद में इकरार गएगा तो कैसे जाएगा वो भी कर रहा. कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो तुम कब बुलाऊं ये पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो जमीन को आसमान बनाऊं सितारे से सजाऊं अगर किस बॉलीवुड एक्टर को एक नर्व डिसऑर्डर है जिसको सुसाइडल डिजीज भी कहते हैं. सुसाइड डिजीज भी कहते हैं. लड़का है लड़की? लड़का है. एक्टर पुराना है. अब बाय द वे ये जो एक नर्व डिसऑर्डर होता है पता नहीं इसका मेडिकल नाम तो बड़ा मुश्किल है लेकिन इसमें एक फेस के अंदर इतना दर्द होता है चेहरे में कि आदमी को ऐसा लगता है जैसे मैं अपना मुंह तोड़ दूं या मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं. ये वो इस नोयत का दर्द होता है और फेशियल एंगर मूवी भी आता है. थोड़ा सा क्लू ये बाप की एज में आ रहे हैं आजकल या हीरो की एज में? साकिब भाई आपका हिंट ये है कि आप सनी लियोन से बाहर आए. कोई एज ग्रुप तो बता दो. राजकुमार तो नहीं है मतलब ये इमॉर्टल है ये आदमी. ये 80s से आ रहा है अभी तक आ रहा है. एंड यू आर राइट सलमान खान. जी जी ये पेन बेचारे को ये है. अच्छा एक और भी है बॉलीवुड के उनको भी मुंह की बीमारी है इमरान हाशमी को. बहुत ज्यादा कुछ कुछ जिस्म की बीमारी भी है. वो क्या बहुत मुंह मारियां करते हो? हाँ मुंह मारी मुंह में लग जाते हैं. नाना पाटेकर जो थे ये राब्ता कमेटी में थे. नाना पाटेकर
क्यों रब्ता कमेटी में? वैसे अगर ये लोग पाकिस्तान में रहते तो कहाँ रहते? कहाँ रहते? ये सवाल है। सवाल है। अक्षय तो कंफर्म गुलशन का लड़का है, 13D का। 13D का। और नाना पाटेकर रब्ता कमेटी के थे। हाँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि नाना पाटेकर होते तो राबिया सिटी से मिलते। ऋतिक रोशन मेरे ख्याल में पुल के इधर का है, फेज 8। और ये जो लाइन एरिया का लड़का है शाहरुख भाई जो थे वो क्या नाम है, अजय देवगन जो था नागन का लड़का लग रहा है, अजय देवगन नागन साइड में। अजय देवगन गुब्बारे जरूर बेच रहा था। नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी ये सारे रेंचो लैंड के होते सारे। मनीषा कोयराला जो थी ना उसका ब्यूटी पार्लर था तारक रोड पे। और दीपिका पादुकोण कहाँ रहती? ये खातून पाकिस्तान में पढ़ती। अच्छा तब्बो तो जौहर की लगती है ना? नहीं वो हैदराबाद कॉलोनी में रहती है, वो हैदराबादी है बेसिकली। हमारे यहाँ तो फिल्मों में सिर्फ हुमायूं सईद आते हैं, इन सब की और नौकरियां होती हैं। अमिताभ बच्चन पीसी बुरबर में दरवाजे खोल रहे होते हैं। ये भी हो सकता है। ओए आ जाए। ये बताइए बाजीगर, शाहरुख खान की मशहूर मूवी, बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान से पहले ये कैरेक्टर किसको ऑफर हुआ था? नूरुल हसन भाई को भी हो चुकी है। कौन सी? हाँ लंबे बाल रखे ना। ये फिल्म खानों में ही ऑफर हो रही थी उस वक्त जो है, दो खान इनसे ज्यादा मशहूर थे तो आमिर खान को नहीं, सलमान खान। क्यों कह रही है आप सलमान खान? एक मिनट क्यों कह रही है आप सलमान खान? प्यारे लगता है यार शर्ट उतार कर। चलो यार बस सही है, सही जवाब। सलमान खान को पहले ऑफर हुई थी बाजीगर, लेकिन उसने कहा भाई मैं नेगेटिव रोल नहीं कर सकता। अभी अगले राउंड में हम जीरो देंगे। टीम प्रमोशन, लोशन के बाद प्रमोशन। हिस्ट्री लिंग। हिस्ट्री। वॉशिंगटन से पहले अमेरिका का कैपिटल क्या था? यार वर्जीनिया भी हो सकता है, लेकिन फिलाडेल्फिया में तो घंटी बजी थी, तो अगर सारे बाबे फिलाडेल्फिया आए हुए थे घंटी बजाने, देखा आपने कैसे काम पे लगा, कुछ कैपिटल टाइप ही होगा जो सब वहाँ पहुंचे हुए हैं। ऑप्शन मिल सकते हैं? जो भी शहर था आज उस वही शहर चला रहा है पूरा अमेरिका। मुझे लगता है मानी भाई अगर अमेरिका में होते ना, इन्होंने न्यूयॉर्क में भी पीएसपी खोल लेनी थी। भाई न्यूयॉर्क चलता है तो अमेरिका चलता है। ठीक है हल्के हो जाओ, न्यूयॉर्क में भी है चैप्टर हमारा। ओए 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 कितने कितने लड़के रखे हुए वहां पे, लौंडे बहुत हैं। रात को अगर आप न्यूयॉर्क में निकले 42nd स्ट्रीट से आगे जाके तो वहां आपको सारे टैक्सी वाले हमारी मिलेंगे बेसिकली। क्या बात है भाई, क्या बात। मानी भाई इस शहर का अगला मेयर माइकल कमाल को बना रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी गैस करना चाहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी सही जवाब। आप इतना गंदा है न्यूयॉर्क बाय द वे, भाई मैं बता रहा हूँ। सबवे तो खैर बहुत ही गंदा, सबवे छोड़ दें। न्यूयॉर्क में अगर आप जाने के बाद होता भाई, आपका भाई आपके भाई का कजन ब्रॉन्ज में 5:30 बजे वहां गया, थोड़ी सर्दियां भी थी, कह रहा है फॉरन शॉट हो जाना मोबाइल बनवा के, बकायदा ट्रेन में बिठा के नीचे आया, मुझे कह रहा है 2 मिनट अगर आप लेट होते ना छिन जाता मोबाइल, अल्लाह की कसम यही हाल चल रहा है। पहुंच गए कराची वाले वहां भी। नहीं 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 यो ब्रो मोबाइल ईदी अमीन भाई वहां पे भी हैं, बहुत सारे ईदी अमीन घूम रहे हैं वहां पे। सलीम कुटका मिलता है वहां पे। नागन के लड़के ने मेरा मोबाइल सही किया अल्लाह की कसम, और बाकायदा से इतना मसले से पिन विन थोड़ी हिली हुई थी, और फिर मैं नीचे गया उसने कहा टैक्सी भी क्यों आ गई पागल दुनिया, अब इतनी महंगी टैक्सी लेके आ गई, मैंने यार मुझे पता ही नहीं था। लिफ्ट पे आओ नीचे बिठाया, कह रहा फौरन छोड़ो जाओ, लौंडे यूं देख रहे थे वहां के यूं करके। किसके नीचे बिठाया? ईदी अमीन के। ईदी अमीन एक सर्विस है वहां पे। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख की सबसे मुख्तसर जंग, मुख्तसर दौरानिए की जंग कौन सी रही? एमक्यूम हकीकी और एमक्यूम की 6 साल। ये तो जंग नहीं हुई होगी, तो कुट्टी है, इतनी देर में यही हो सकता है। कोई ऑप्शंस वगैरह तो नहीं है? वेल ऑप्शन, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की बेल बजा के भागे थे उसको। ऑप्शन ये बता दूं जनाब के हमला करने वाले मुल्क का नाम बताओ, डिफेंस में एक मुल्क का नाम बताया था हमला वाले, दूसरा आप बता दें। ठीक है तो आप मुझे बताएं, मैं हमला करने वाले मुल्क का नाम बताऊं, डिफेंड करने वाले। ये दोनों मुल्क जोहर में रहते थे। अगर नॉर्थ अमेरिका में तो एक बताओगे तो दोनों ही पता चल जाएंगे। इससे बड़ी लड़ाई वीडियो गेम पे होती है, सागर वीडियो गेम पे। लंबी चलती है, लंबी चलती है। लड़के भी ले आते हैं। हमला आवर का बता दीजिए। हमला आवर तो कुछ ही मुल्क है, वो पता चल जाएंगे ना। हाँ नहीं हमला नहीं, जिससे हमला हुआ वो बताएं। डिफेंस वाला फ्रांस है क्या? डिफेंस डिफेंडिंग कंट्री कौन सा था जी? डिफेंडिंग वॉज
जंजीबार। अरे जंजीबार ये तो छोटा सा मुल्क है, ये अभी पब्लिक के लड़के कूट देंगे। जंजीबार जंजीबार। अरे भाई ये दोनों फौजें आमने सामने आ गई, बहुत खतरनाक, क्योंकि लड़ाई छोटी थी, ये किया चले। कैसी लड़ाई थी भाई? ना फायर हुआ ना कुछ। अब क्या अटैकिंग कंट्री बतानी है हमने? नहीं असला बहुत खतरनाक था, असला बहुत खतरनाक था, मैं बताऊं क्या था? पानी वाली पिस्तौल, रबड़ बैंड से ना कागज। यार मुझे ऐसा लग रहा है ये कसाईयों की लड़ाई है, जंजीबार है ना, कसाईयों की तो लड़ाई नहीं है ये, बकरी की थी। सर ये हुआ था, और पता क्या, उनकी उनकी फौजें जब आ रही थी, उसने कहा अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे। अफ्रीका में तो नहीं जंजीबार यार, इसके टूनिसिया की कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे, इट्स एन ईस्टर्न अफ्रीकन। अबे भाई एक ही मुल्क है जो इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड कर लेते हैं, इंग्लैंड ब्रिटिश एम्पायर ही होगा जो आधा आधा दुनिया तो वो खा चुका है, फाइनल किए उन्होंने बहुत सारे मुल्क। सो यू से इंग्लैंड, इंग्लैंड तो नहीं मतलब ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या ओके, जीबी वर्सेस जंजीबार, जंजीबार सही जवाब। 25 अगस्त 1896 को ये जंग शुरू हुई जिसमें मुंह के फायर हुए। 25 अगस्त 1896 को ये जंग शुरू हुई और 45 मिनट में खत्म हो गई। कोई कहता है 36 मिनट में खत्म हुई, लेकिन कोई कहता है 45 मिनट मैक्स में जंग खत्म हो गई। जनरल साहब को बाथरूम आ गया था। हुआ ये कि जो 2800 जंजीवारियन आर्मी के बंदे थे, उन्होंने पैलेस को डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए, ऊपर से बमबारी हो गई। तो जब गोले गिरे तो पैलेस वो शैटर्ड, खत्म हो गया। ये वो बात होती है आप फड्डा करने जाते हो और सामने वाले बड़े लड़के ले आते हैं। ये वो मसला है। ओके जनाब अगले तस्वीर की जाने चलते हैं जी। ये कौन? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो सही जवाब। मुझे बताओ मथेरा, आपको कैसे पता चला कि ये मैं है? जवाब क्यों नहीं देते मथेरा? I think the eyes, it looks more like Benazir. मथेरा इनके खिलाफ कुछ बोलने में आपकी कांपे टांग रही हैं। Is a nice person, मतलब अगर आप उनसे मिलो भी, वो एक ऐसे इंसान है, अगर वो यहाँ है, he will actually come to meet you. He has zero ego. And that's why I respect a person like that. मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो बैठते हैं और अपनी you know एक ताकत या एक ego से एक एक चीज दिखाते हैं। थोड़ी तारीफ और कर दी, माली भाई सोच रहे जाने का। किसी पार्टी हम हारी हुई पार्टी के साथ जाते हैं, जीती हुई पार्टी के साथ नहीं। पंजाब में हार रही है। ये तस्वीर जब खींची है ये मेरे ख्याल में जरदारी साहब को देख रहे हैं, डरे में थोड़े से। जरदारी साहब को देख के डरेंगे क्यों? ऐसे गले पे निशान भी दिख रहा है, क्योंकि ये पूरी तस्वीर ये थी, यहाँ तस्वीर खींची है मिसाल के तौर पे, यहाँ है ना, अब वो आ गए गेमर। ये थी पूरी। वैसे मथेरा ने बात बिल्कुल ठीक की है, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसा ही शख्स चाहता है जो उसकी कांपे टांग दे। यार वैसे आपस की बात है, आपने अब्बू की बात की ना, इनके जिस जमाने की ये तस्वीर है, उसको तो जरदारी साहब जेल में होंगे। जरदारी साहब को जेल हो गई थी और ये तो दो साल की तस्वीर है। तो ये मेरा लेकिन ये जिस तरह से रिलैक्स होके बैठे हुए तो ये तो वो जगह लग रही है कि अब्बू को अगर लेके जा रहे हैं तो देख रहे हैं। वेरी गुड यार, लेके जा रहे हैं, नीचे तालियां बजा रहे थे। क्यों मदीरा आपको क्यों बुरा लग रहा है? मुझे बुरा नहीं लग रहा, किसी ने बोला मुझे बुरा लग रहा है। जरदारी साहब भी पसंद है, बिलावल भी पसंद है। ये बकायदा ये पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग वैसे फाउंडिंग है भाई। पीपल्स पार्टी जब पार्टी करती है इनको बुला लेती है। और तीन हजरात चलते हैं हम अपने आज के मेहमान की तरफ। हमारी आज की मेहमान पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक ग्लैमरस फेस, एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा, खवातीन हजरात, किसी तारफ की मोहताज नहीं है। वैसे तो मैं हर मेहमान के तारफ में कहता हूँ, लेकिन इनके बारे में मुझे वाकई ये कहने की जरूरत नहीं है कि इनको किसी भी तारफ की कोई जरूरत नहीं है। इस्तकबाल कीजिए नौशीन चाह का। हेलो अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी आप? ठीक ठाक है? प्लीज हैव अ सीट। अस्सलाम वालेकुम। तालियां होनी चाहिए यार। हाँ अब बात करें मालिक, कैसे हैं? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? किधर? अराउंड अराउंड अराउंड। टाइम हो गया, टाइम हो गया है ना, बुढ़े हो गए। ये लग रहा है कोई व्हाट्सएप
कॉन्वर्सेशन चल रही है, हम बस वो ग्रुप में नहीं देखते कैसे हो क्या कर रहे हो, पर हम सब देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ। ये सामने आपके जो लोग बैठे हैं इनमें से सच्ची बात बताएं कितनों को? I know मानी of course, God साकेत, साकेत बतीरा, बतीरा मुस्फा मामू, yeah I don't know these two guys। हमारे बारे में आपका ख्याल क्या है? आपके इस पूछने के अंदाज के बाद शायद मेरा ख्याल जो है वो काफी अजीब सा हो रहा है। अगर अभी फेसबुक खोल दूं तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। ठीक है, मेरी मेरी तो एक्सेप्ट क्यों नहीं की? आप रातों को भेज देती होंगी, सुबह भूल जाती होंगी, मुझे क्या पता। हां वैसे ये बात है, फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं भी भेजता हूं अक्सर, मैं भी अक्सर स्टार्स को भेज रहा होता हूं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं तो फेसबुक पे हूँ ही नहीं तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर। मैंने नीलम मुनीर को 6 दफा भेजी है। हाँ। हालांकि वो मेरे ग्रुप में ही, बाद में मैंने देखा वो थी मेरे साथ, क्या नाम है, पुरानी दोस्त है मेरी बेसिकली, नीलम मुनीर महवेश आदि सब पहले से हैं फेसबुक पे। मानी पूरी रात बैठता है अनफ्रेंड करता है फिर 5 बजे सबको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्यों, आप किसी की नहीं एक्सेप्ट कर रहे? मैं जानता नहीं हूँ ना, लेकिन ये आपको पता है कि मैंने रिक्वेस्ट इतना आपने नोटिस किया हुआ है? शक्ल देख रही बात है, इसी काम के लिए तो काम करते हैं। काम करते हैं क्या इतना काम करें, रिक्वेस्टें भी ना आए फिर फायदा? मुझे प्लीज जरा वो रिक्वेस्ट देखनी है, ये मेरे पास भी है, तकलीफ है अभी। मुझे तो माय नेम है शहजाद गयास, आई डोंट नो दैट रिंग्स अ बेल। यू सेड आई हैव सेंट यू अ रिक्वेस्ट, कैन आई सी दैट रिक्वेस्ट? मुझे दिखाइए प्लीज। मोबाइल घर पे नहीं रह गया? मोबाइल अक्सर आपकी मतलब वो सुनने में आता है कि आपके झगड़े हो जाते हैं, फड्डे हो जाते हैं, वो क्या होता है? एक दफा खबर आई थी कि आपने मुस्तफा के बाल काट दिए। पिछले दिनों मरियम नवाज के बारे में भी आपने कुछ कहा था, वो भी बड़ा वायरल हुआ। हाँ। तो मैंने बड़े दिल से कहा है जी, एंड आई ओन इट। आप खान की फैन? आप नहीं? मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं मारे में खबर नहीं होता। नहीं नहीं अरे कोई बात नहीं, हम भी थे इंसान की फैन हूँ जो करप्ट नहीं है, चाहे वो चाहे कोई और है। मॉरल करप्शन जो है ये करप्शन में आती नहीं आती? सवाल है मॉरल करप्शन, हर बंदे की करप्शन की अपनी डेफिनेशन होती है। कुछ लोग मॉरल करप्शन को फाइनेंशियल करप्शन से ज्यादा बुरा समझते हैं। दोनों इवन मॉरली इफ यू आर करप्ट यू आर डन। और कुछ लोग होते हैं कहते नहीं फाइनेंशियल करप्शन किया है तो बहुत बुरा किया, लेकिन अगर मॉरली करप्ट है तो फाइन। लेकिन अगर मैं एक और नंबर लूं जो मेरे नाम पे रजिस्टर ना हो उससे हम मॉरल करप्शन कर सकते हैं? अगर आप अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हैं नहीं, मैं किसी और जगह पे यार मतलब मैं भी इंसान हूँ, गलती का कहीं तो गलती हो मुझसे, अभी तक हुई नहीं गलती मुझसे। अल्लाह इतनी नेक चल रही है, आज कर दो ये गलती वायरल हो जाएगी। मतलब आप इतनी नेक चल रहे हैं। लेकिन मैं पहले कुछ और था, मैं अब चेंज हुआ। ये अब तेरा डी वाला नहीं रहा। मेरे घर में नहीं। आप बताओ इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज और ये सारी चीजें तो खैर हो जाती है, तेरे आप बोल रही है। लुक हु इज टॉकिंग। तो मैंने क्या बोला, आपकी भी हो ही जाएगी ट्रस्ट मी। सगे नहीं कह रहे, ये फोन मैंने एक और रखा हुआ है इसके लिए, फोन नंबर, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, ट्विटर आईडी, स्नैप, टिकटॉक, सारी कार्यवाही कहीं और हो रही है, होटल भी अलग है। मुझे पापा की प्रिंसेस के नाम से भेजा इसने। हाँ। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने कहा वाकई में प्रिंसेस है। अभी तो आपने कहा था फेसबुक पे है ही नहीं। नहीं मैं इंस्टा की बात कर रहा हूँ जिसपे मैं नहीं हूँ। हाँ जी, सो यू फेस्ड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज ऑन दैट इन लाइफ, कौन सी एक कंट्रोवर्सी है जिसने आपको, एक होता है इंसान सीखता है यू नो, एक सबक सिखाया हो दैट यू नो आई शैल नॉट डू दिस अगेन, आई हैवंट डन एनीथिंग, सो यू हैवंट लर्नड एनीथिंग? लाइक कुछ तो होता है ना इंसान को सिखाता है, बाय अदर पीपल आई ऑलवेज जस्ट टेल देम टू नॉट क्रिएट मेस। तो कुछ तो सीखा होगा दैट शायद तुम इन लोगों को सिखाओ, हम सबको सिखाओ। रूट कॉज क्या है वो कोई नहीं जानने की कोशिश करता, अगर आपका नाम किसी भी वजह से किसी ने इन्वॉल्व किया हो तो यू आर इक्वली यू नो पीपल थिंक दैट अच्छा ये इस इंसान की भी गलती है, इसने भी कुछ किया होगा। ओके okay. तो ये एक चीज़ मुझे मैंने देखी है कि मेरा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक हो या ना हो लोग जुड़ा देते हैं। नहीं अगर किसी ने कुछ मेरे नाम से कोई बात की है, बेशक हालांकि मेरा कोई वास्ता भी नहीं होगा, मैंने उसमें कोई कुछ नहीं किया, फिर भी वो जोड़ देंगे कि अच्छा जी ये इन्होंने भी इनकी भी गलती है। सो दैट्स नॉट रियली नाइस। सो दे पुट द ब्लेम ऑन यू। अगर आप खुद किसी को कुछ कह रहे हैं या आपने यू नो किसी के बारे में कुछ लिखा है, कुछ बोला है, तो लाइक यू सेड अबाउट मरियम नवाज,
आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट ट्वीट आई डिड इट. तो क्या अच्छा लगता है खान साहब में? नहीं कोई एक चीज अच्छी बताओ कि हम भी देखें क्या अच्छा है उनमें. आपको क्या बुरा लगता है? शक्ल तो उनकी बेहतर हो रही है ऐसा ऐसा. देखिए बाकी पॉलिटिशियंस तो करप्ट हैं, खान साहब की खूबसूरती ये है कि अगर आप ईसीपी का जजमेंट ना पढ़े तो आपको वो भी करप्ट नहीं लगेंगे. ऐसे ही अश्विन शादी का क्या इरादा है? किसकी शादी? हाँ मेरी तो हो चुकी है, बाप की बात बारी. Don't you guys think now that's a very personal question? कुछ नहीं होता क्योंकि हम सब पब्लिक प्रॉपर्टी हैं. हम चाहते थे कि लोग हमें पहचाने. हम चाहते हैं कि हम मॉल में जाएं तो लोग कहें ये नौशीन जा रही है, वो मानी जा रहा है. हम चाहते हैं ये हो. हम चाहते हैं डिस्कस किया जाए. इस पूरे शो में से यही क्लिप निकलेगा, जर्नलिस्ट बोलेंगे हम मॉल में गए वो नौशीन जा रही है वो मानी जा रहे हैं, दोनों कहाँ जा रहे हैं. कोई लकी मैन है अभी? मेरा बेटा 6 साल बाद जो है वो 20 साल का हो जाएगा. अब आप लोगों ने शादी कर ली तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा आप चाहते क्या हैं कि जो हो फ्यूचर में वो कैसा हो? साकिब भाई अपना रिश्ता लेकर आ गए. ये सिंगल इंसान है शदीद फारिग. अगर करनी है तो वो मेहंदी के कपड़ों में ऑलरेडी है. और मैचिंग भी है. मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो काम बाद में होना है मेहंदी तो शुरू करें. अच्छा खवातीन व हज़रात, आप सब से मिलके बहुत अच्छा लगा. मैं चली. नहीं अभी और अच्छा लगेगा, अभी बैठे तो अभी और अच्छा लगेगा. अभी आप बैठे. हम साकिब भाई को पैसे कम देते हैं, शो के बाद ये फरीद अयाज के पीछे तालियां बजाते हैं. अभी आपको शो अच्छा लगेगा, फिर हम में से कोई ना कोई अच्छा लगेगा. सब अच्छे दिल के, सब अच्छे. हम लोग गवाह भी दे, गवाही भी देते हैं पार्ट टाइम में. अच्छा आप लोगों में से अगर मुझे कोई अच्छा लगेगा तो वो तो फिर मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी है. और ये सब कुछ नेटवर्थ के बाद हुआ है. लेकिन लेकिन इन्होंने चूंकि ये बात शो पे बोली तो मुझे ये जहर लगने लगा. नो 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 नो, ये 20 मिलियन टैक्स के बाद हुआ है. ये उसके बाद आप भी लम्स से. हां ये भी लम्स हिना बट की तरह. ओ भाई आग लगा दो यूनिवर्सिटी. लेट्स जस्ट बर्न इट. नहीं नहीं यार लगा रहने दे, रहने दे. अगर वो जल गई तो लाहौर के बर्गर बच्चे कैसे कहेंगे यू नो द थाउजेंड लम्स. दैट इज सो गुड. लम्स से तो असर नहीं होता यू नो. उसमें कुछ कर ले यार. क्यों कासिम अली शाह आए हुए थे? अरे नहीं पाक स्टडीज का लेक्चर था तो उसमें प्रोफेसर साहब ने पूछा, उन्होंने खुद बताया. यार मैंने लड़कों से पूछा कि यार अब तो डू यू थिंक कि गरीबों के पास वोटिंग राइट होना चाहिए? मैंने कहा नो सर, वो तो बिरयानी की प्लेट पे अपना वोट भेज देते हैं. वो सिर्फ पीटीआई वाले थे. नहीं नहीं ये किसी ने असल में बोल दिया. ये असल में बात है, ये असल वाक्य है. कितना इंटेलेक्ट लेवल है. मतलब होता है बाज़ लोग होते हैं उनका. मतलब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट वाली बात दिल पे ना ले. मानी भाई ने भी मेरी अब तक एक्सेप्ट नहीं की भी. ये बिल गेट्स आए हुए थे पिछले दिनों. हां हां ये स्टार गेट के पास से गुजरे हैं ये. नहीं ये इमरान खान साहब से मिले हैं तो पता है क्या हुआ है? क्या खान साहब ने कहा मुझसे ज्यादा विंडोज को कौन जानता है. कई दफा निकले होंगे तो घर की विंडो, घर की विंडोज की बात करें. वो घर के विंडोज की बात हो रही थी. कई दफा भागे हैं वो खिड़कियों से. दीवार तो टापी है एक दफा. कोई बात नहीं, आप मियां साहब टाप के दिखाएं. टिप्पा कहने वाली थी क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो टप्पी खा गया वो. कोई इस मुल्क में नवाज शरीफ की टप्पी नहीं देखना चाहता. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और आप देखने वालों का भी इंशाल्लाह खवातीन हज़रात आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए आई डोंट नो के साथ. दिस इज प्रेजेंटेड बाय नाशवादी प्राइस. अल्लाह हाफिज़. जब एंटरटेनमेंट का मोर से भी ज्यादा फायदा होता है तो कितना ही मजा आता है. सो कीप वॉचिंग आई डोंट नो एंड सब्सक्राइब टू नाशवादी प्राइस.